के फॉर्मर क्रिकेटर जुवेद मियांदाद, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, दुनिया जानती है, वर्ल्ड कप में भी उनका एक रोल रहा। तो उन्होंने कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट दी कि भाई अच्छा हुआ जो इंडियन गवर्नमेंट जो सी है वो मस्जिद की जगह या जो भी मतलब मंदिर को मंदिर बनाने जा रही है, जो भी उस मंदिर में जाएंगे, जो लोग जो हिंदू उस मंदिर में जाएंगे वो मुस्लिम होके बाहर निकलेंगे। जय और श्री राम। भारत की इस बेटी ने भी और भारत के प्रधानमंत्री ने भी भारत की इस भूमि पर मोदी जी ने मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के हाथ में पूरी इज्जत से वो ट्रॉफी दिया और हमने इसको कबूल किया है। और मैं भारत की बेटी नाज़िया इलाही खान ऑस्ट्रेलिया के कोच और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को कॉन्ग्रेचुलेट और बधाइयां देती हूँ कि आपने जीता। और साथ चलो साथ अपने अपने तमाम खिलाड़ी को ये कहती हूँ कि मेरी नजर में आज भी रोहित शर्मा शेर है, मेरी नजर में किंग कोहली है, पर आज जावेद मियांदाद के इस स्टेटमेंट पर मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि क्या कैमरा अब आपके मुंह पर आता नहीं है और कैमरा देख करके आप कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो जाते हैं, क्योंकि बात आपने राम मंदिर की है और उस भव्य राम मंदिर की है, उस महादेव उस भव्य भगवान राम की है जिसकी श्रद्धा आस्था इस पूरे भारत में है। आए तो थे आपके पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत के इस हिंदू राष्ट्र पे, तो क्या हिंदू बनकर चले गए? अब्दुल रजाक, जिन्होंने हमारे बहुत मशहूर अदाकारा और मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय पर अभद्र और ओछी टिप्पणियां की, हमने वो भी सुना, इंजमामुल हक की टिप्पणियां सुनी कि वो ब्रेन लारा और हरभजन सिंह को कराची में ही इस्लाम कबूल करवाने वाले थे, जिस पर हरभजन सिंह जी ने तो जबरदस्त अपना स्टेटमेंट दिया कि कौन सा नशा फूंकते हैं इंजमामुल हक, होश में रहते भी हैं या उस नशे के बेहोशी में ही ये स्टेटमेंट दे डाला। जावेद मियांदाद से मेरा दूसरा सवाल है कि चाइना में मुसलमानों की दाढ़ियां नोची गई और उनको जेल बंदी बनाया गया था कि जब तक इस्लाम का भूत दिमाग से नहीं उतरेगा तब तक रिहाई नहीं मिलेगी, तो क्या चीनी मिनी चाओ वो चाइनीज के प्रेसिडेंट से बात करेंगे? मैं जावेद मियांदाद से पूछना चाहती हूँ कि जब चाइना में मस्जिदों को तोड़ करके टॉयलेट बनवाया गया, बाथरूम करने की जगह बनवाई गई, तो क्या उस बारे में वो चाइना के प्रेसिडेंट से बात करेंगे? शायद आप उसी जावेद मियांदाद के बारे में बात कर रहे हैं जिसका समधी दाऊद इब्राहिम है, जिसको पूरे देश की पुलिस ढूंढ रही है और शायद उसामा बिन लादेन की तरह पाकिस्तान के ही गारों में वो भी छुपा है। और जावेद मियांदाद ऐसा कह सकते हैं मजहबी सेंटिमेंट्स लोगों के शायद इसके साथ अटैच हो, लेकिन इस टॉपिक को कवर करना बहुत जरूरी था। मैं बात कर रहा हूँ राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट है उस हवाले से, और आज इस वीडियो को करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जुवेद मियांदाद, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, दुनिया जानती है, वर्ल्ड कप में भी उनका एक रोल रहा। तो उन्होंने कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट दी कि भाई अच्छा हुआ जो इंडियन गवर्नमेंट जो सी है वो मस्जिद की जगह या जो भी मतलब मंदिर को मंदिर बनाने जा रही है, जो भी उस मंदिर में जाएंगे, जो लोग जो हिंदू उस मंदिर में जाएंगे वो मुस्लिम होके बाहर निकलेंगे। मुझे ये स्टेटमेंट सुनने में बहुत अजीब लगी। इसका मतलब यह है कि फिर जो मुसलमान अगर किसी मंदिर में जाता है तो वो फिर हिंदू होके बाहर निकलेगा, ये मतलब तो यही हुआ। खैर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके ऊपर, नादिया इलाही खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बहुत ब्लंट वे में अपनी ओपिनियन रखती हैं। और इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहता हूं कि ये एक प्लेटफॉर्म है, इस पे जो भी आए उसको कुछ भी बोलने का राइट है। अगर किसी को कोई शिकवा हो किसी की स्टेटमेंट से, मेरी या नादिया इलाही खान की स्टेटमेंट से, तो वो अपने शिकवे को इसी प्लेटफॉर्म पे आके क्लियर कर सकता है। अगर मैं कुछ गलत बोलूं, नादिया जी कुछ गलत बोले, तो वो आके काउंटर विद लॉजिक काउंटर कर सकता है। तो अभी इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। नादिया जी अस्सलाम वालेकुम। हर हर महादेव, जय सियाराम, भारत माता की जय। नादिया जी आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? एक मेरा ऑपरेशन हुआ है जिस वजह से थोड़ा इस तरीके से बैठी हुई हूँ, ठीक। पर अभी ठीक, अभी अभी बेटर हूँ मैं पहले से। नाजिया जी टॉपिक आपने सुना और डेफिनेटली ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अगर हम बात करें, फाइनल मैच था वर्ल्ड कप 2023, इंडिया हार गया, इसके ऊपर आप एज ए इंडियन क्या कहना चाहेंगी? हार्ट ब्रेकिंग था, बहुत मायूस हुई, और मोदी जी के एक मोटिवेशनल ट्वीट ने मुझे भी मोटिवेट किया, और जिस तरह से उन्होंने हमारे तमाम खिलाड़ियों का पीठ थपथपाया और कहा कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम
10 मैचेस हमने जीते थे, लगातार फाइनल हम हारे, और जो जीतता है उसके लिए सेलिब्रेशन बनता है, भारत ने किया, जो जीतता है ट्रॉफी उसको मिलती है, ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी मिली, जो जीतता है उसके लिए पटाखे फूटते हैं, उसके लिए बधाइयां बनती हैं, उसके लिए आरतियां उतारी जाती हैं, और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने का हक पूरा पूरा है। और जैसे भारत की इस बेटी ने भी और भारत के प्रधानमंत्री ने भी भारत की इस भूमि पर मोदी जी ने मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के हाथ में पूरी इज्जत से वो ट्रॉफी दिया और हमने इसको कबूल किया है। और मैं भारत की बेटी नाजिया इलाही खान ऑस्ट्रेलिया के कोच और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को कॉन्ग्रेचुलेट और बधाइयां देती हूँ कि आपने जीता। और साथ चलो साथ अपने अपने तमाम खिलाड़ी को ये कहती हूँ कि मेरी नजर में आज भी रोहित शर्मा शेर है, मेरी नजर में किंग कोहली है, मेरी नजर में मोहम्मद शमी जैसा बॉलर और भी भारत में 4-5 जन्म लेना चाहिए। तो मैं ऐसा जानती हूं और ऐसा चाहती हूं कि जो कमियां रह गई इस फाइनल मैच में, उन कमियों को पूरा करने का भरपूर वक्त हमारे भारत के खिलाड़ियों के पास है, और उस कमियों को वो जरूर पूरा करेंगे, और आने वाले वर्ल्ड कप में ट्रॉफी हमारी होगी और उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। खेल में हार जीत लगा रहता है, और उस हार जीत को मानना और उस पर सराहनीय करना और उस पर पूरे दिल से स्वीकार करना, ये भारत के प्रधानमंत्री ने भारतवासियों को सिखाया है और हम उस पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। जबरदस्त, मैं भी यही समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम की अगर बात करें तो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरीके से टीम इंडिया ने परफॉर्म किया, अनबीटन रहे फाइनल तक, अनबीटन रहे, लेकिन फाइनल में आके जोन सेव ने हार का सामना करना पड़ा। मैं भी यही चाहूंगा एज ए पाकिस्तानी कि हम भी अपनी गलतियों से सीखें, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें और नेक्स्ट वर्ल्ड कप में हमारा यानी पाकिस्तान का और इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल हो, हार जीत उसी की हो, जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो वो ही जीते। नादिया जी, टॉपिक की तरफ आते हैं, ये जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का केस है, आप इसके बारे में क्या मतलब, अगर हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें और उसके बाद फिर हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं जुवेद मियां दाद, उन्होंने स्टेटमेंट दी, मुझे बहुत अफसोस हुआ, ये स्टेटमेंट मुझे आज ही पता चली, वैसे ये 2 साल पुरानी शायद स्टेटमेंट है या 3 साल पुरानी, क्या कहना चाहेंगी, हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगी या जुवेद मियां दाद से स्टार्ट करेंगी? थोड़ा सा इतिहास से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अभी जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, मैं जावेद मियां दाद पर खत्म ही कर दूंगी, आपको बोलने का मौका भी नहीं दूंगी। और मैं चाहूंगी कि मेरी किसी भी बात को आप एडिट ना करें। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, संस्कृत में भी कह डाला और उर्दू में भी कह डाला और अंग्रेजी में भी कह देती हूँ कि रिक्वेस्ट भी करती हूँ। देखिए, बात ऐसी है कि 2 डेकेड सर्वोच्च न्यायपालिका में इस मंदिर के लिए बहुत बड़ी लड़ाई हुई, और विष्णु जैन जी के फादर, दोनों पिता और पुत्र ने इस केस को लड़ा था। लाखों सनातनियों की और हिंदुओं की जान गई थी, और राम मंदिर के बदले में सर्वोच्च न्यायपालिका के आदेश पर 25 एकड़ की जमीन 30 किलोमीटर की दूरी पर मस्जिद को दी गई थी, जिसमें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से मस्जिद का की नींव रखी जा चुकी है, और बहुत खूबसूरत आर्किटेक्ट और बहुत खूबसूरत बन रही है वो मस्जिद। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट करवाया गया था, जिसके लिए मुसलमान तैयार नहीं थे। मुसलमान पक्ष, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो जमायतुल उलमाए हिंद जो भारत में है, वो तैयार नहीं थे। तब उस वक्त सर्वोच्च न्यायपालिका, जो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसको तब शक हुआ कि आखिर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्यों नहीं करवाना चाहते हैं। और जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट आया तो इस 2 डेकेड में ये पता चला कि वो मंदिर थी, और वहीं पर हमारे राम भगवान का जन्म भूमि थी और रामलला का जन्म हुआ था। और तब जा करके ये 2 डेकेड के बाद इसका फैसला आया, और इस फैसले को संवैधानिक तरीके से और सर्वोच्च न्यायपालिका के फैसले को शीश झुका करके भारत के तमाम वासियों ने माना, और इस पर और उसी उसी आदेश पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसकी इसका जो एनोग्रेशन है, इसका जो समारोह है, वो 22 जनवरी 2024 को वक्त मुकर्रर किया गया है। अब आती है बात कि अभी तो जो आपने जावेद मियां दाद की बात कही है, उस टिप्पणियों को मैंने सुना है, वाकई में ये जो इंटरव्यू है वो
2 साल 3 महीना 14 दिन पुराना है, पर अभी अचानक से वायरल हुआ है। पर मैं कहना चाहूंगी कि अभी तो भारत में राम भक्त मोदी जी की सरकार है, सुधर जाओ। अगर गौ गौ माता मानने वाले योगी जी की सरकार आ गई तो न मशवरा होगा, न सोच होगी, न जेल होगी, न बेल होगी, सीधा मृत्यु के बाद प्रभु राम से मेल होगी। चाहे वो भारत में बैठा पाकिस्तानी दिमाग का लोग हो, व्यक्ति हो, या पाकिस्तान का ही क्यों ना हो। ठीक है, अब आती है बात आपके उन तमाम पूर्व खिलाड़ियों की जिन्हों जो आजकल काफी सुर्खियों में बने रहे। अब्दुल रज्जाक, जिन्होंने हमारे बहुत मशहूर अदाकारा और मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय पर अभद्र और ओछी टिप्पणियां की, हमने वो भी सुना, और शाहिद आफरीदी की ताली की गूंज भी सुनी उस ओछी और छिछोरी टिप्पणियों पर। रमीज राजा के कह कहे सुने, 60 साल से ज्यादा की उम्र है, और ऐसे कह कहे सुने जो इस उम्र में ऐसी टिप्पणियों पर नहीं करनी चाहिए। विविड रिचर्ड, जो मशहूर खिलाड़ी और बहुत ही रिनाउंड खिलाड़ी और नीना गुप्ता की मोहब्बत और विविड रिचर्ड के कॉम्प्लेक्शन का मजाक उड़ाते हुए देखे गए, इंजमामुल हक की टिप्पणियां सुनी कि वो ब्रेन लारा और हरभजन सिंह को कराची में ही इस्लाम कबूल करवाने वाले थे, जिस पर हरभजन सिंह जी ने तो जबरदस्त अपना स्टेटमेंट दिया कि कौन सा नशा फूंकते हैं इंजमामुल हक, होश में रहते भी हैं या उस नशे के बेहोशी में ही ये स्टेटमेंट दे डाला। अहमद शहजाद, जो काफी मशहूर हुए थे अपनी टिप्पणियों की वजह से, जो दिलशान को कह रहे थे पीच पर ही, श्रीलंका के प्लेयर दिलशान को, कि कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में, नहीं तो जहन्नुम की आग में जलाए जाओगे। अब आती हूं मैं जावेद मियांदाद। आप शोएब उसी जावेद मियांदाद की बात कर रहे हैं जो अपने ही खिलाड़ी शाहिद आफरीदी पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगाए थे और बच्चों की कसम तक खिलवा डाली थी पैसा लेने के बारे में। आप उसी जावेद मियांदाद की बात कर रहे हैं जिसने 1981 में जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के ग्राउंड पर खेल रहा था तो बल्ला उठा डाला था डेलिस लिली को मारने के लिए, और उस वक्त के फॉरेन कंट्री के सबसे बड़े नेशनल न्यूज विजडन ने ये लिखा था कि इतिहास के पन्नों में ये इंसिडेंट लिखा जाएगा जावेद मियांदाद का, जो क्रिकेट की हिस्ट्री में ना कभी हुआ था और ना कभी होगा, जो ओछी और छिछोरी हरकत जावेद मियांदाद ने की है। शायद आप उसी जावेद मियांदाद की बात कर रहे हैं जो तोतले जुबान में ये कहता है, ये किया था अपने ही अब्दुल कादिर पाकिस्तानी खिलाड़ी को चाकू निकालकर मारने की कोशिश की थी क्रिकेट मैदान के बाहर में। शायद आप उसी जावेद मियांदाद के बारे में बात कर रहे हैं जिसका समधी दाऊद इब्राहिम है, जिसको पूरे देश की पुलिस ढूंढ रही है, और शायद उसामा बिन लादेन की तरह पाकिस्तान के ही गारों में वो भी छुपा है और जावेद मियांदाद ही छुपा कर रखा हो, और इसी इसी जावेद मियांदाद ने आपके ही पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहिद आफरीदी को दाऊद इब्राहिम से फोन करवा करके धमकियां भी दिलवाई थी। मैं पूछना चाहती हूँ कि जावेद मियांदाद, आप इतनी ओछी और छिछोरी हरकत क्यों करते हैं? क्या टीआरपी के लिए करते हैं? क्या चंद पैसों के लिए करते हैं? या आपको कुछ ऐसे लोग अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं जो आपके मुंह से वो उगलवाने की कोशिश करते हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए? या आपको कुछ ऐसे पॉडकास्ट में लोग बुलाते हैं जो खुद दिखने में बड़े ही भद्दे होते हैं, क्योंकि हम भारतीय कभी भी किसी को जजमेंटल स्टेटमेंट नहीं देते हैं, पर आज जावेद मियांदाद के इस स्टेटमेंट पर मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि क्या कैमरा अब आपके मुंह पर आता नहीं है, और कैमरा देख करके आप कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो जाते हैं, क्योंकि बात आपने राम मंदिर की है, और उस भव्य राम मंदिर की है, उस महादेव और उस भव्य भगवान राम की है, जिसकी श्रद्धा आस्था इस पूरे भारत में है। आए तो थे आपके पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत के इस हिंदू राष्ट्र पे, तो क्या हिंदू बनकर चले गए? क्या नमाज पढ़ना भूल गए? क्या सजदा करना भूल गए? या कलमा पढ़ना भूल गए? आए तो थे 1.25 महीने इसी हिंदू राष्ट्र की और इसी बीसीसीआई की, इसी ओडीआई का नमक खाकर गए हैं, तो क्या हिंदू बन गए? क्या राम भक्ति करने लगे हैं? क्या 5 कलमा और 7 कलमा अब याद नहीं रहा? या अशहदु अल्ला इलाहा पर नमाज पर उंगलियां उठाना भूल गए हैं? तो
तो पूछना ये भी चाहती हूँ, मैं इंजमामुल हक से पूछना चाहती हूँ कि कौन से इस्लाम की दावत आप दे रहे थे ब्रेन लारा और हरभजन सिंह जी को, कौन से इस्लाम की दावत, जिस इस्लाम ने मुर्दों को दफन करना सीखा था कौओं से? क्या कुरान इस बात का गवाह नहीं है कि आदम अलैहि सलाम के दो बेटे हबील और कबील में से एक बेटे ने कबील को दफन किया था कौए को देख करके? या इस्लाम की वो दावत आप देते हैं जो इस्लाम चार चार बीवियां रखना सिखाता है? या इस्लाम की वो दावत आप देते हैं जो निकाह मुत्ता के नाम पर 9 साल की बच्चियों के साथ पॉक्सो एक्ट में बलात्कार करना सिखाता है? या इस्लाम की वो दावत आप देते हैं जो बदन में बम लगा करके अजमल कसब जैसे लोगों को 72 वर्जिन हूरों के लालच में मासूमों की जान लेना सिखाता है? या इस्लाम की आप वो दावत दे रहे हैं जो हाफिज सईद सिखाता है मदरसे के बच्चों को? या इस्लाम की वो दावत आप दे रहे हैं जो हाफिज सईद को खुश करने के लिए और दाऊद इब्राहिम को खुश करने के लिए दलाली के नजरिए से दे रहे हैं? कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं? सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना, क्या पाकिस्तान में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो सच को सच बोले और झूठ को झूठ बोले? किसी के भव्य राम मंदिर पर इतनी अभद्र टिप्पणियां करने के बाद क्या पाकिस्तान ऐसी ऐसे एक्सपेक्टेशन रख सकता है कि भारत से बैठी भी अगर कोई भारत की बेटी या भारत से बैठा हुआ कोई भारत का पुत्र आपको अच्छी भाषा में जवाब देगा? ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखना चाहिए। जब अब्दुल रज्जाक ने ऐश्वर्या राय पर अभद्र ओछी और छिछोरी बात कही थी तब भी हमने अपने शब्दों का मर्यादा नहीं खोया था। जब रमीज राजा विविड रिचर्ड और नीना गुप्ता पर हंस रहे थे, कहे उड़ा रहे थे और बहुत ओछी ओछी मजाक कर रहे थे तब भी हमने अपने शब्दों का मर्यादा नहीं छलांग मारा था। जब जब इंजमामुल हक ब्रेन लारा और हरभजन सिंह को इस्लाम कबूल करवाने की बात कर रहे थे तब भी हमने शब्दों के मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था। लेकिन जावेद मियां दाद जी, आपने हमारे भगवान राम पर अभद्र टिप्पणियां की है, ले आइएगा कटोरा, मिलेगा रोटी, मिलेगी सब्जी, दाल, पानी और भगवान राम पर चढ़ा हुआ लड्डू का प्रसाद, आ जाइएगा। आए थे आपके जाहिले आजम और बाबरे आजम भी, गए तो इस्लाम वाले ही बनकर, हिंदू तो नहीं बनाया हमने और हम किसी को हिंदू बनने की दावत भी नहीं देते हैं। जैसे आप हर वक्त जिहाद दिमाग में लेकर इस्लाम के बनाने की दावत देते रहते हैं। नासिया जी, इधर एक सवाल ये आता है, मतलब मुझे पर्सनली अफसोस हुआ, मैं और ओपनली इस बात को कंडेम करता हूँ कि जावेद मियां दाद ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये उन्हें ये स्टेटमेंट देनी बिल्कुल नहीं चाहिए थी। इससे देखें, जहां पे अगर मैं कहूँ कि अगर कोई इस्लाम के बारे में बात करता है, कोई हमारे मजहब के बारे में बात करता है, तो मुझे दुख होगा। यही चीज मुझे भी अपने माइंड में बिठानी चाहिए कि भाई जैसे मुझे दुख होगा जब मैं किसी के मजहब के बारे में, किसी के बारे में हवाले से ऐसे बात करूंगा, तो उन्हें भी उतना ही दुख होगा। हमें ऐसा लगता है, क्यों पता नहीं क्यों हमारे माइंड में ये बिठा दिया गया है एज ए मुस्लिम कि भाई सबसे सुपीरियर और सबसे बेहतरीन ये चीज, मतलब मैं ये समझता हूँ इंसानियत को सबसे आगे रखना चाहिए, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना चाहिए। और इससे मैं ये समझता हूँ जो कहते हैं कि भाई हम इस्लाम के बड़े ठेकेदार हैं, हम इस मजहब के बड़े ठेकेदार हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ये गलत भी हो सकती है, शायद उनसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन कोई नहीं, क्योंकि उनकी वजह से पूरी दुनिया में इमेज खराब हो रहा है। अब जावेद मियां दाद साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर कहीं पे कहीं हमारा ये क्लिप उनके उन तक पहुंचे, तो आप बताइएगा, आपने जो स्टेटमेंट दी, क्या इससे कोई थोड़ा सा भी इस्लाम का या मुसलमानों का इमेज बेहतर हुआ या खराब हुआ? और अगर यही बात कोई हिंदू कम्युनिटी से उठ के कर दे कि भाई देखें, जैसे आपने बोला कि भाई जो उस जगह पे जाएगा राम मंदिर में, या जैसे क्योंकि वो पहले बाबरी मस्जिद थी, तो वहां पे जो जाएगा तो वो मुसलमान होके, ऐसे अगर कोई ये कह दे कि भाई हमारे मंदिर में जितने भी मुसलमान आते हैं, चाहे जिस मकसद के लिए भी आते हैं, जो एक दफा वहां पे आएंगे वो हिंदू होके वापस जाएंगे, फिर हमें कैसा लगेगा? ये चीजें हमें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, देखनी चाहिए। नादिया जी, जी, मैं जावेद मियां दाद से एक और बात पूछना चाहूंगी कि 3 दिन पहले सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस 2 मुसलमान को जेल की हिरासतों में अरेस्ट करवाएं, डिटेन करवाएं, क्योंकि वो मक्का मदीना के मस्जिद में बैठ करके गाजा और हमासी के लिए दुआएं कर रहे थे। तो जावेद मियां दाद क्या सऊदी अरबिया के प्रिंस खुर्शीद साहब से बात करेंगे?
जावेद मियादाद से मेरा दूसरा सवाल है कि चाइना में मुसलमानों की दाढ़ियां नोची गई और उनको जेल बंदी बनाया गया था कि जब तक इस्लाम का भूत दिमाग से नहीं उतरेगा तब तक रिहाई नहीं मिलेगी, तो क्या चीनी मिनी चाओ वो चाइनीज के प्रेसिडेंट से बात करेंगे? मैं जावेद मियादाद से पूछना चाहती हूँ कि जब चाइना में मस्जिदों को तोड़ करके टॉयलेट बनवाया गया, बाथरूम करने की जगह बनवाई गई, तो क्या उस बारे में वो चाइना के प्रेसिडेंट से बात करेंगे? मैं जावेद मियादाद से ये पूछना चाहती हूँ कि जब सऊदी अरबिया में बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अनहा के टुंब को तोड़ करके उसको डिमोलिश करके सड़कें चौड़ी करवाई गई और खूबसूरत करवाई गई, बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अनहा के कब्रिस्तान को डिमोलिश करके, तो उस बारे में जावेद मियादाद कुछ बात करना चाहेंगे? मैं जावेद मियादाद से पूछना चाहती हूँ कि आपके पाकिस्तान में जो लड़कियां विराट कोहली की जो मोहब्बत में पागल हो रही हैं, आपके पाकिस्तान में शुभम गिल के मोहब्बत में जो मुसलमान लड़कियां पागल हो रही हैं, उस बारे में कुछ बात करना चाहेंगे जावेद मियादाद साहब? मैं जावेद मियादाद साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ कि एसी रूम में बैठ करके और किसी पॉडकास्ट वाले के सामने उल्टियां करने से बेहतर ये नहीं होता कि आप हमास और फलस्तीन जा करके उनकी मदद कर लेते, तो शायद आप अच्छे मुसलमान कहला जाते और पाकिस्तान की नजरों में आपका वकार थोड़ा ऊंचा हो जाता। तो ये चंद सवाल है मेरे मेरे मेरी तरफ से जावेद मियादाद के लिए, और मैं जानती हूँ कि मेरे ये सवाल जावेद मियादाद तक मुझे कैसे पहुंचाने हैं। अगर आपने इसको नहीं काटा तो मैं तो पहुंचा डालूंगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो फिर साथ ही साथ ये भी सवाल जुवेद मियां दाद या फिर पूरे पाकिस्तान में जहां पे भी आप पहुंचा सकी जरूर पहुंचाइएगा। हम तो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान से लोग देखें, क्योंकि मकसद ये है कि पाकिस्तान के लोगों की, मेरे पाकिस्तान के लोगों की सोच बदले। तो एक सवाल ये, बल्कि सवाल नहीं, मैं ये ऑफर कर रहा हूँ तमाम मुसलमानों से जिन्हें ऐसा लगता है कि भाई वो सबसे बड़े इस्लाम के ठेकेदार हैं या सबसे ज्यादा मोहब्बत इस्लाम से उन्हें है, मैं ये ऑफर करता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म, ये हमारा चैनल उनके लिए है। लेकिन आए बात करें चाइना के मुसलमानों के लिए, आए बताएं कि चाइना में क्या हो रहा है, ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। और मैं वेट करूंगा कब पाकिस्तान से कोई हमारे साथ आता है जर्नलिस्ट, कब पाकिस्तान से कोई क्रिकेटर आता है और ये बात करता है कि भाई चाइना में तो बहुत जुल्म हो रहा है, फलस्तीन, हमास, बर्मा, यहाँ वहां, हमें बहुत सी चीजें याद आती हैं। बिल्कुल साथ, आयरन फ्रेंड चाइना मौजूद है, इनके बारे में आज तक हमने बात क्यों नहीं की, एक सवालिया निशान है। नाजिया लाही जी क्या समझती हैं कि ऐसे लोग भारत के जो, मुसलमान जो होते हैं ना शोएब, भारत के जो मुसलमान होते हैं, जैसे मैं अपने बारे में बात करती हूँ, मैं कुरान के उन पन्नों को, उन सूरतों को पढ़ती हूँ जिसमें 800 बार इल्म की बात कही गई है, जबरदस्त, मैं कुरान के उन सूरतों को मानती हूँ जिसमें 306 बार मानवता की बात कही गई है, मैं कुरान की उन सूरतों को बहुत बगौर पढ़ती हूँ और बार बार पढ़ती हूँ जिसमें बीबी मरियम अलैहि सलाम को वुमेन एम्पावरमेंट के तरीके से दिखाया गया है, मैं कुरान की उन सूरतों को बहुत दिलचस्पी से और बहुत मान्यता और बहुत वैल्यू और अहमियत देकर पढ़ती हूँ जिसमें बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हों को बिजनेस टाइकून और वर्किंग वुमेन के हिसाब से दिखाया गया है। तो मैं तो इस तरह से कुरान को पढ़ती हूँ। बिल्कुल। और देखें, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि भाई जिन्हें जज्बात में आके, मतलब उन्हें बड़े बड़े स्टेटमेंट, बड़े बड़े नारे लगाने आते हैं, एक दफा अपने गिरेबान में जान ली, और एक दफा जो हमने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ है, चाहे हमारे पाकिस्तान में कोई उस तरीके से शरी निजाम नहीं है, हालांकि इस्लाम का अगर हम ठेकेदार हैं तो निजाम शरी होना चाहिए, लेकिन नहीं है। एक दफा इससे निकल के पूरी दुनिया में जो चीजें हो रही हैं, तुर्की जिसे हम फॉलो करते हैं या करना चाहते हैं, वहां पे क्या इसी तरीके से इस्लाम है? सऊदी अरेबिया जिसके हम बिल्कुल मुरीद हैं, मतलब उनके पीछे पीछे चलते हैं, क्या वहां पे इसी तरीके से इस्लाम है? इसके अलावा दुनिया के बहुत से इस्लामिक कंट्रीज हैं, इस्लामिक स्टेट्स हैं, जो कि सोच के हवाले से, मेंटेलिटी के हवाले से बहुत आगे जा चुकी हैं, अपने रिलेशन बहुत बेहतर कर चुके हैं। और मैं आज ओपनली ये बात करता हूँ कि हिंदुस्तान की अगर बात करें, बरसगीर की बात करें, हम अपनी बात करें, तो यहाँ पे तो कुछ साल पहले इस्लाम आया, हम फिर मुसलमान हुए, कर दिए वो, मतलब जो भी चीजें हैं, तो फिर हमें ज्यादा इतना वो उस तरीके से बोलना, ये एक सवालिया निशान है मेरे लिए भी और तमाम मैं उन तो लोगों के शोएब लिए। बहुत जी ऐलानिया ये बात कहती हूँ कि मैं वो मुसलमान हूँ जो मुगलों के उन औरंगजेब और थरकजेब को मानने वालों में से नहीं हूँ जो अपने ही भाई का गला काट के अपने ही पिता को जेल बंदी बनाता है।
मैं तो उस राम भगवान को ज्यादा प्रशंसा और मानने वालों में से हूँ जिनके छोटे भाई भरत उनके पैर का खड़ौन अपने माथे पर लेकर के 14 साल के वनवास से रिटर्न आने का वापसी का पटाखे और दिवाली के दियों के साथ इंतजार कर रहे थे। एक तरफ मुगलों के परिवार में वो भाई थे जो अपने ही भाई का गला काट के अपने ही वालिद को जेलबंदी बनाते थे, और एक भरत थे जो भगवान राम की वापसी पर उनके पैर का खड़ौन अपने माथे पर लेकर के उनके इंतजार में एक हाथ में दिया जलाकर खड़े थे। ये भारत की पहचान ताजमहल से नहीं हो सकती है, इस भारत की पहचान अक्षरधाम से होती है, इस भारत की पहचान राम मंदिर से होती है, ये भारत हिंदू राष्ट्र है, इस भारत में जय सिया राम के नारे लगते हैं, इस भारत का मुसलमान आज भी जामा मस्जिद की खूबसूरती में तस्वीरें खिंचवाता है, इस भारत का मुसलमान आज भी कलमा पढ़ता है, इस भारत का मुसलमान आज भी ईद और बकरीद मनाता है, और अवेसी जैसे झूठे मक्कार लोग जो कहते हैं कि भारत के मुसलमान बेमिसाल बॉलिंग पर वही योगी महाराज जी ने उत्तर प्रदेश में समी स्टेडियम भी खोलने का ऐलान कर दिया और उसका काम भी स्टार्ट हो गया। तो अगर मुसलमान में क्रेडिबिलिटी है, अगर मुसलमान में ताकत है, अगर मुसलमान वाकई में इतनी इतनी काबिलियत रखता है, तो योगी और मोदी जी सल्यूट भी करते हैं ऐसे मुसलमान की, चाहे वो नाजिया हो, चाहे वो मोहम्मद समी हो, चाहे वो द ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम। जबरदस्त नादिया जी, लास्ट में एक सवाल करना चाहूंगा कि इंडिया के, भारत के मुसलमान बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, इन सब चीजों के हवाले से अब क्या सोच रखते हैं 2023 में? 2023 में और इस 9 साल में भारत संविधान से चलेगा, भारत भगवद गीता से चलेगा, भारत पार्लियामेंट में हुए निर्णय से चलेगा, भारत सर्वोच्च न्यायपालिका के जजमेंट से चलेगा। आपका धर्म आपके घर के अंदर है, आपकी आस्था आपके कलेजे में है, आप अपनी आस्था अपने धर्म अपने इस्लाम को आप भारत पर हावी नहीं होने दे सकते। ठीक है नादिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, और यहाँ पे फिर जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था, एंड में भी यही बोलूंगा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरऑल किसी भी मजहब की बात करें इतना नॉलेज नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की कि बिल्कुल न्यूट्रल रह के, बिल्कुल अनबायस रह के जो सवालात थे, जो बातें मेरे दिल में थी वो मैंने की। अगर किसी को मेरी किसी बात से, मेरे किसी सवाल से कोई मसला है, कोई शिकवा है, तो हमारे साथ वो बात कर सकता है। लेकिन हमेशा यही मकसद रहा है मेरा कि किसी तरीके से, किसी भी तरीके से पीस को प्रमोट किया जाए, इंसानियत को प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये जो हमारा दोगलापन है, ये जो हमारा डबल स्टैंडर्ड है, एक साइड पे हम उन लोगों को दुश्मन कहते हैं चाहे वो इंडियंस हो, हिंदू हो, या फिर वो अपना हमारे जो है यूएस के लोग हों, और दूसरी साइड पे हम उसी यूएस में लाखों रुपया लगा के जाना चाहते हैं। मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान के किसी भी सड़क पे चले जाएं और वहां की यूथ से पूछें कि आप कहाँ जाना चाहेंगे, सबसे पहले ये कहेंगे मैं तो अमेरिका जाना है। ठीक है, मैं इन सब चीजों को जानता हूं और यही सोच को बदलना चाहता हूं। पाकिस्तान तभी बदलेगा जब मेरी सोच बदलेगी, जब पाकिस्तानियों की सोच बदलेगी, और हमें सख्त सवालात का